और मूवी की शुरुआत होती है तब हम देखते हैं अर्थ के काफी लिमिटेड रिसोर्सेस खत्म होने वाले हैं, इसलिए स्पेसकॉम नाम की जो स्पेस एजेंसी रहती है वो कुछ इंसानों को स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए भेजती है नेपच्यून के यहाँ पे, इसी होप में कि उन्हें कोई इंटेलेक्ट लाइफ के बारे में पता चले और वो इंसानों की मदद करें। और इस साल को कुछ बीत जाते हैं, उस ऑपरेशन का क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अर्थ पे बार बार कुछ एनर्जी वेव्स आके टकरा रहे थे जिसके कारण काफी सारे इंसान मारे जाते हैं और अर्थ का भी काफी नुकसान होता है। और इसी में हम एस्ट्रोनॉट मेजर रॉय को देखते हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में अपने स्पेस स्टेशन पे काम कर रहे थे, तभी वैसे ही बहुत बड़ी एनर्जी वेव आती है जिससे पूरा स्टेशन डिस्ट्रॉय होने लगता है। रॉय जो स्पेस में थे वो स्पेस में उड़ते हुए नीचे आने लगते हैं और अर्थ के एनवायरमेंट में पहुंच जाते हैं। उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अर्थ के ग्रेविटी के कारण नीचे आने लगते हैं और कई दूसरे देश में वो लैंड कर जाते हैं पैराशूट की मदद से। अब यहाँ पे स्पेस स्टेशन में कोई भी बचा नहीं था रॉय के अलावा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन फिर भी रॉय को कुछ भी फील नहीं होता, मानो रॉय को एक अकेलापन खाए जा रहा था। उन्हें बस खुद में ही रहना था, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को वो महसूस नहीं कर पाते थे और इसी के कारण से उनकी पत्नी ईवा भी उन्हें छोड़ के चली गई थी। अब इनका ये जीवन ऐसा क्यों है इसका भी एक कारण था। इंसानों के हिस्ट्री में सबसे बड़े इनोवेटर साइंटिस्ट और मशहूर एस्ट्रोनॉट डॉक्टर क्लिफर्ड इनका इकलौता बेटा रहता है रॉय। रॉय बचपन में उनसे काफी करीब होता है, लेकिन जब वो खुद 16 साल का था तभी उसके पिता लीमा प्रोजेक्ट के तहत नेपच्यून गए थे, यानी ये वही प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया, जहाँ उन्हें ब्रह्मांड के अलग अलग उत्पत्तियों के बारे में पढ़ना था, उनके ऊपर रिसर्च करनी थी। ये वन वे ट्रिप थी और वो अपनी पत्नी और रॉय को वैसे ही छोड़ चले आए थे। इस बात से रॉय के ऊपर काफी गहरा असर पड़ा था और तब से ये अकेलापन उसे खाए जा रहा था। आगे जब रॉय 30 साल का होता है तब उसके पिता और उसकी टीम के साथ स्पेसकॉम और उसका पूरा कॉन्टैक्ट टूट जाता है। उसके बाद काफी साल ये लोग कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नो रिप्लाई। इसके कारण यहाँ पे सबको लगता है कि उसके पिता और उनकी टीम पूरी एक्सीडेंट में मारी गई है, वो जिंदा नहीं है, और इसी के कारण रॉय ट्रॉमेटाइज हुआ था कि उसके पिता तो उसे छोड़ के गए हैं और तब से ही वो अकेले रहना प्रेफर करता था। कोई इमोशंस नहीं थे आसपास के लोगों के लिए, इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद उसे जीवन के लिए प्यार नहीं था। अब ये एक्सीडेंट होने के बाद उसे वापस ऑफिस में अपने बुलाया जाता है। उसे आगे कहते हैं जिस हादसे के कारण तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ वो दरअसल एक हाई इंटेंसिटी वेव जनरेट हुई थी और ये सिग्नल नेपच्यून इस ग्रह से ही आ रहे थे जहाँ पे उसके पिता और उसकी टीम ने स्पेस स्टेशन बनाया था, यानी लीमा प्रोजेक्ट। यहाँ पे स्पेसकॉम को लग रहा था कि उसके पिता जिंदा है और अभी भी वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं जिसके कारण ये एनर्जी सर्जेस आ रहे हैं जो अर्थ को एक ना एक दिन तबाह कर देंगे। अब इसके लिए वो एक मिशन प्लान करते हैं जहाँ पे रॉय को भेजने का तय करते हैं, जहाँ पे रॉय को मार्स जाना था और उसके पिता के लिए कुछ रिकॉर्डेड मैसेज डालने थे। जब उसे पता चलता है कि उसके पिता अभी जिंदा हो सकते हैं तब उसे कैसे भी उनसे मिलना था एटलीस्ट एक बार। अब इस मिशन में उसके साथ कर्नल प्रोटीन भी थे जो उसके पिता के काफी करीबी दोस्त रह चुके थे। अब यहाँ से सबसे पहले वो मून पे लैंड करते हैं और मून के फार साइड पे स्पेसकॉम का एक स्टेशन रहता है, वहाँ पे उन्हें जाना था, लेकिन तभी कुछ पायरेट्स इनके ऊपर हमला करते हैं और इनके काफी सारे लोग मारे जाते हैं और रॉय भी काफी जख्मी हुआ था, लेकिन प्रोटीन की हालत काफी खराब थी इसलिए वो आगे के सफर में आ नहीं पाते। मार्स पे जाने के लिए जब वो निकलता है तब प्रोटीन उसे एक सीक्रेट मैसेज देते हैं जिसमें स्पेसकॉम के ऑर्डर्स थे कि लीमा प्रोजेक्ट को उन्हें स्पेस में ही डिस्ट्रॉय करना है, चाहे रॉय के पिता जिंदा हो या नहीं हो। ये सुन के उसे काफी दुख होता है। अब ये लोग जब मार्स पे जा ही रहे थे तब बीच रास्ते में इन्हें नॉर्वेनियन स्पेस स्टेशन से कुछ सिग्नल रिसीव होते हैं। अब एज यूजुअल इन लोगों को वहां जाना था, जबकि रॉय इन लोगों को वहां जाने से मना करता है क्योंकि उनका मिशन वो नहीं था, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए जब ये लोग नॉर्वेन स्टेशन पे पहुंचते हैं तब वो पूरा स्टेशन अबैंडन था, वहां पे कोई भी इंसान नहीं था और लैब में इन्हें बहुत ही खतरनाक एक बंदर दिखाई देता है जो इनके कैप्टन पे हमला करता है। रॉय कैसे तैसे उस कैप्टन को बचाता है और जहां पे बंदर था उस मॉड्यूल को वो डीप्रेशराइज करता है जिससे वो बंदर उधर ही मारा जाता है। रॉय अपने कैप्टन को लेके वापस शिप में आता है लेकिन कैप्टन जिंदा नहीं बचे थे। ये देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन आगे ये लोग मार्स के लिए सफर तय करते हैं और कुछ समय के बाद ये लोग जब मार्स के यहाँ पे पहुंचने ही वाले थे तब वापस एक खतरनाक एनर्जी वेव सरपास होती है जिसके कारण इनके लैंडिंग के वक्त काफी नुकसान होता है। ये सब लोग पैनिक हो जाते हैं क्योंकि अब के कैप्टन ऑलरेडी मर चुके थे, लेकिन शांत बैठा हुआ रॉय उनकी मदद करता है और सक्सेसफुली लैंडिंग करता है। यानी यहाँ पे पता चलता है किसी के प्रति प्यार ही नहीं लेकिन डर या मौत से भी रॉय डरता नहीं था। अब ये लोग मार्स के स्पेस स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो डायरेक्टर लेंटोस से मिलता है। आते ही उसे काम पे लगाया जाता है जहाँ पे उसे एक स्क्रिप्ट दी जाती है जो उसे पढ़नी थी। वो रिकॉर्डेड मैसेज उन्हें लीमा जो ये स्पेस स्टेशन था नेपच्यून पे जहाँ पे उसके पिता गए थे वहाँ पे ये लोग ट्रांसमिट करने वाले थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपने बेटे की आवाज सुनते ही डॉक्टर क्लिफर्ड कुछ रिस्पॉन्स देंगे,
लेकिन पहला मैसेज जो रॉय रिकॉर्ड करता है वो काफी फॉर्मल रहता है, उसमें कुछ भी इमोशंस नहीं होते और इसी के कारण शायद उस मैसेज का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। दूसरी बार जब रॉय रिकॉर्ड करने के लिए जाता है तब वो अपने पिता की यादों में काफी इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है और स्क्रिप्ट को इग्नोर करके खुद के मन की बात अपने पिता से करता है। वो कहता है कि पापा, मैं जब छोटा था तब से मुझे आपका साथ हमेशा अच्छा लगा है। आपने मुझे वादा किया था कि हम दोनों भी एक बार स्पेस एक्सप्लोर करने जाएंगे, लेकिन आप मुझे छोड़ के चले गए। मैं आपकी राह देखता रहा लेकिन आप कभी वापस आए ही नहीं, लेकिन मैं भी आपके ही कदमों पे चल रहा हूँ और स्पेस एक्सप्लोरेशन में आया हूँ, यही सोच के कि शायद हमारी राह वापस एक दूसरे से मिलेंगी और मैं एटलीस्ट एक बार आपसे मिल पाऊंगा, आपको देख पाऊंगा। काफी कुछ बातें करती है आपसे, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, आपका बेटा रॉय। और ये मैसेज चला जाता है, लेकिन स्क्रिप्ट की बातें ना करने के कारण रॉय को इस मिशन से निकाला जाता है और अर्थ पे भेजने की तैयारी की जाती है, क्योंकि वो काफी इमोशनल था, वल्नरेबल था, जिससे इनका ऑपरेशन फेल हो सकता है। लेकिन इसी इमोशनल मैसेज के कारण उन्हें डॉक्टर क्लीपर्ड का रिस्पॉन्स आता है उसके बेटे के लिए। ये बात जब रॉय को पता चलती है तब वो उसे मैसेज सुनना था, लेकिन ये लोग उसे वो मैसेज सुनने ही नहीं देते और उसे अर्थ के मिशन के लिए रवाना करते हैं। अब यहाँ पे इसका मार्स पे क्या मिशन रहता है, ये सारी चीजें लैंटोस से, जो डायरेक्टर रहती है स्टेशन से, उससे भी छुपाई गई थी। तब वो उसे पूछती कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुम्हारा मिशन क्या है, मुझे बताओ। ये जो बार बार वेव्स आ रहे हैं जिसके कारण बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है और मेरे काफी सारे लोग मारे गए हैं। पहले तो रॉय कुछ भी बताता नहीं क्योंकि ये मिशन क्लासिफाइड रहता है, लेकिन बाद में वो पूछती कि तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें पता है, तो वो कहता है नहीं। तो वो उसे उसके पिता की यानी डॉक्टर क्लीफर्ड की एक क्लिप दिखाती है जो कुछ सालों पहले ही इन्हें रिसीव हुई थी, जिसमें क्लीफर्ड की हालत बहुत ही खराब रहती है और वो बताते हैं कि हम यहाँ पे एक अद्भुत खोज की तलाश में आए थे, लेकिन मेरे सारे टीम मेंबर्स जो है वो साइकोलॉजिकली वीक हो गए हैं, उन्हें अब यहाँ पे रह के काम नहीं करना है, उन्हें वापस अर्थ पे जाना है, लेकिन इतने दूर आने के बाद मैं प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर सकता। इस बात के कारण क्लीफर्ड के सारे क्रू मेंबर्स उससे बगावत करते हैं और खुद से ही अर्थ आने के लिए निकलते हैं। तो क्लीफर्ड ने आगे मैसेज में कहा था कि ये लोग जब अर्थ पे जा रहे थे तब मैंने इन सारे लोगों के लाइफ सपोर्ट सिस्टम डिसेबल कर दिए और इन क्रू मेंबर्स को मार डाला है। अब इसी में लैंटोस जो डायरेक्टर रहती है उसके माता पिता भी मारे गए थे, इसी के कारण वो भी काफी इमोशनल होती है। यानी यहाँ पे जो महान क्लीफर्ड साइंटिस्ट थे वो दरअसल एक कातिल थे। ये सब कुछ सुनने के बाद रॉय को काफी गुस्सा आता है कि उसके पिता कैसे हैवान है, उन्होंने ऐसे कैसे इतने सारे लोगों को मार डाला। लैंटोस बताती है कि मैं मार्स पे ही पैदा हुई थी और मेरे माता पिता भी लीमा प्रोजेक्ट के साथ तुम्हारे पिता के टीम में थे और उन्हें भी वापस आना था, लेकिन तुम्हारे पिता के कारण वो आज इस दुनिया में नहीं है। ये मैसेज स्पेसकॉम को भी काफी सालों पहले मिला था, लेकिन इतने महान साइंटिस्ट को वो हैवान नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए लोगों से ये बात उन्होंने छुपा के रखी। और उन्हीं के अजीब एक्सपेरिमेंट के कारण ये एनर्जी वेव जनरेट हो रही है जो अर्थ और मार्स को तबाह करने वाली है। तुम्हें यहाँ पे इसीलिए लाया गया है कि तुम्हारे द्वारा डॉक्टर क्लीफर्ड रिस्पॉन्स करे और उनका लोकेशन स्पेसकॉम को मिले। अब स्पेसकॉम को वो लोकेशन मिल गया है, इसलिए तुम जिस शिप से आए हो वो शिप के बाकी के साथ ही अगले 5 घंटे में नेपच्यून जाने के लिए रवाना होंगे, लीमा प्रोजेक्ट के उस स्टेशन को न्यूक्लियर ब्लास्ट करने के लिए। अब रॉय को कैसे भी अपने पिता से आखिरी बार मिलना था, उसे वो पीस ऑफ माइंड चाहिए था कि उसके लाइफ के साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो लैंटोस को कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी, मुझे उस स्पेसशिप तक पहुंचना है। तो वो कहती है मैं तुम्हें रॉकेट तक पहुंचा सकती हूं, आगे तुम्हें जाना है। और वो उसे एक टनल से रॉकेट लॉन्चर के साइट पे पहुंचाती है। ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाला रहता ही है तब काफी मुश्किल से वो रॉकेट के अंदर चला जाता है। अब लॉन्च के टाइम इसके कारण काफी गड़बड़ हो जाती है और वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है। चेक करने पर उन्हें रॉय दिखाई देता है। अब रॉय की मानसिक संतुलन वैसे ही ठीक नहीं थी, ये समझ के ये सब लोग उसे बेहोश करने के लिए जाते हैं, लेकिन काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और ऑक्सीजन टैंक इनकी लीक होने लगती है, जिसके कारण धीरे धीरे सारे क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं सिवाय रॉय के, क्योंकि उसने अभी भी स्पेस सूट पहना होता है। अब यहाँ पे स्पेसशिप में क्या हुआ ये सारी हिस्ट्री वो अर्थ पे बताता है और आगे वो नेपच्यून का सफर तय करने लगता है। इस पूरे सफर में वो काफी डिप्रेस होने लगता है कि कैसे उसके पिता ने उसे छोड़ा। वो बार बार उनकी क्लिप देखता है, अपने वाइफ की क्लिप देखता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा इंसान क्यों है कि किसी के साथ भी उसे इमोशंस नहीं है। और उसे रियलाइज होता है उसके लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है अकेलापन वो उसके पिता के कारण है। उसे बस एक बार अपने पिता से बात करनी है जिससे उसे इस पूरे सिचुएशन से पीस मिलेगा और अपने लाइफ में वो मूव ऑन कर सकता है। अब कुछ समय के बाद ये लोग नेपच्यून तक पहुंच जाते हैं। लीमा प्रोजेक्ट के स्पेस स्टेशन में पहुंचने के बाद पूरा स्पेस स्टेशन खाली था, सिर्फ आसपास क्रू मेंबर्स की लाशें थी, उसे उसके पिता भी नहीं मिलते और एक कंटेनर में एंटी मैटर था, शायद उसी से वो वेव जनरेट हो रहे थे। वो अपना न्यूक्लियर वेपन लोड कर ही रहा था तभी उसके पिता आते हैं और पूछते हैं कौन है वहां पे।
रॉय क्या तुम हो? रॉय उन्हें इतने सालों के बाद देखता है, तब उसके आंखों से आंसू आते हैं। वो उसे पूछता है कैसे हो आप, तो वो हंसते हुए कहते हैं अकेला हूँ, तब से इन एनर्जी वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रॉय उनसे पूछता कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, तब वो बताता है जब मेरी टीम अर्थ पे भाग रही थी तब स्पेस स्टेशन पूरा डिस्ट्रॉय होने लगा और इस शिप में काफी खतरनाक एंटी मैटर था, वो पूरे स्पेस और आसपास के एनवायरनमेंट में एक्सपोज हुआ और उसी के कारण ये एनर्जी वेव सर्ज हो रहे हैं। रॉय उनसे कहता है कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा और आपको मैं घर लेके जा रहा हूँ। ये सुनते ही क्लिफोर्ड कहता है घर, कौन सा घर, यही मेरा घर है, अर्थ पे मेरी जगह कभी भी नहीं थी, मुझे हमेशा यूनिवर्स यानी इस ब्रह्मांड की गहराइयों की खोज करनी थी, इस ब्रह्मांड के बाकी के जीवों के बारे में मुझे खोज करनी थी। अर्थ पे मैं पैदा तो हुआ था लेकिन वो कभी भी मेरा घर नहीं था, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ और पूरे ह्यूमैनिटी को पीछे डाल के यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे वो लाइफ कभी पसंद ही नहीं आई, मुझे पता था यहाँ पे आने के बाद तुम अकेले पड़ जाओगे, मेरे लिए हमेशा स्पेस ही मेरी पहली प्रायोरिटी रही है, तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया। अब ये सुनते ही रॉय चुपचाप खड़ा देखने लगता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं कि जिस पिता से वो इतने सालों से प्यार कर रहा था जिसके कारण उसका पूरा जीवन ऐसे बर्बाद हुआ, वो उसके मुंह पे उसे कह रहे कि मैंने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया उस तरह। फिर भी वो उन पे गुस्सा नहीं होता, वो कहता है कि मैं जानता हूँ फिर भी मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको मैं लेने के लिए आया हूँ। उसके पिता वापस आने से मना करते हैं लेकिन रॉय उन्हें काफी समझाता है और वो चलने के लिए मानते हैं। रॉय पूरा न्यूक्लियर वेपन सेटअप करता है। अब यहाँ पे जैसे दोनों भी रेडी होते हैं और स्टेशन से जैसे ही बाहर आते हैं, डॉक्टर क्लिफोर्ड खुद के सूट का जो थ्रस्टर रहता है वो ऑन करते हैं। दोनों भी एक रस्सी से बंधे हुए थे और दोनों भी स्टेशन से काफी दूर स्पेस में चले जाते हैं। तो रॉय उन्हें अपने तरफ खींचता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि मुझे जाने दो बेटा प्लीज, जहाँ तुम लेके जा रहे हो वो मेरा घर नहीं है, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ काफी गलत किया, वो प्यार नहीं दे सका जिसके तुम हकदार थे, लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे यहीं पे छोड़ के जाओ, मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि वो जीवन ही नहीं है मेरा, प्लीज लेट मी गो सन, दिस हैज बीन माय लाइफ फॉरएवर। ये उनके आखिरी शब्द होते हैं। दोनों भी रोने लगते हैं। रॉय अपने पिता की इच्छा मानता है और उन्हें आखिरी गुड बाय कहता है और उनकी रस्सी छोड़ देता है और वो डीप स्पेस में चले जाते हैं। फिर रॉय थ्रस्टर की मदद से वो खुद वापस अपने शिप में आता है, वो देखता है कि उसके पिता नेपच्यून के ऑर्बिट में थे और वो दूर जा रहे थे, उन्हें वो गुड बाय करता है और अपना शिप चालू करता है, लेकिन शिप में फ्यूल कम होने के कारण आखिरी में वो लीमा स्टेशन का जो न्यूक्लियर रहता है वो ब्लास्ट करा देता है जिसके कारण बहुत बड़ी एनर्जी वेव जनरेट होती है जिससे शिप को पुश मिलती है और उसकी शिप काफी आगे निकल जाती है और उसकी शिप अभी वापस अर्थ पे आने के लिए रवाना होती है। वापसी में वो अपने पिता के पेपर्स पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि इंसान ही ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, इसीलिए कम होते हुए रिसोर्स के लिए उसे कोई और नहीं खुद की ही मदद करनी होगी। वो इस सफर में तो गया था अपने पिता को वापस लाने, लेकिन उसे एक बात समझ आती है कि उसके पिता काफी अलग थे बाकी इंसानों से, अर्थ उनकी लाइफ नहीं थी लेकिन वो खुद अपने पिता की तरह नहीं है। उसे इस पूरे हादसे से जीवन के लिए एक प्यार, जीवन की अहमियत पता चल गई थी, इसीलिए जब वो पूरे ऑपरेशन के बाद अपने घर आता है तब अपने वाइफ के साथ वापस जुड़ जाता है। वो अपने पत्नी से कहता है कि मैं पहले जैसा था वैसा नहीं हूँ, मैं जिस पल का इंतजार कर रहा था अपने पिता से मिलना वो मैं उनसे मिल चुका और मुझे पता चल गया है कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, अब से मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करूंगा और जिंदगी को काफी प्यार से जीऊंगा और इसी तरह एक इंसान को अपने जीवन की राह मिलती है।